दर्शकों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के प्रथम भाव लग्न में केतु के प्रभाव को लेकर। लग्न ये हमारा व्यक्तित्व है, शरीर है, रंग रूप आकार चरित्र है। इस भाव में यदि केतु बैठेंगे तो केतु का अपना कोई स्वरूप नहीं होता, अपना कोई राशि नहीं होता। केतु मंगल के समान फल करता है। केतु किसी भी घटना का आकस्मिक आभास दिलाता है। अभी आप शांति से बैठे हुए हैं, एक बैग आपको फोन आएगा और डायरेक्ट ये सूचना मिलेगी कि आपका ट्रांसफर हो गया है। ये अचानक, पहले से आपको आभास नहीं था लेकिन ये अचानक घटना हो गई। आप कभी देखेंगे कि कोई आपका मित्र है या परिवार में जान पहचान का है, वो न तो पढ़ता है न लिखता है, लेकिन आपको सुनने में आएगा कि अचानक उसे जॉब लग गई। हो सकता है जिस समय संसार सो रहा हो उस समय वो व्यक्ति पढ़ रहा हो। तो जो भी शुभ या अशुभ आकस्मिक घटना मिलती है वो है केतु। केतु मंगल के समान फल करता है। लगन में बैठा तो जातक को क्रोधी बना ही देगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये हर परिस्थिति में क्रोधी बनाएगा? जवाब है नहीं। क्यों? आखिर क्या कारण है? क्योंकि जब केतु की महादशा या अंतरदशा रहेगी तभी ये किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम देगा। केतु लग्न में हो तो जातक के सिर पर चोट का निशान अवश्य होता है, चाहे ये उसके बाल्यावस्था में हो, कुमारावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में। आयु के किसी भी पड़ाव में ये सिर पर चोट या स्टिच का निशान जरूर देगा। केतु लग्न में जनरली तभी शुभ फल करता है जब मंगल किसी की कुंडली में नेचुरल योग कारक हो, यानी जिस लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक होता है उन लग्न वालों के लिए केतु शुभ फलदायी होता है। यदि केतु लग्न में हो तो जातक लंबा होता है। कुंभ राशि का केतु जातक को धनाढ्य बनाता है। अब ध्यान रखिएगा कि कुंभ राशि का केतु सदैव और हर किसी को धनाढ्य नहीं बना सकता, उसमें अन्य ग्रहों का भी विवेचन करना पड़ेगा। धन का कारक बृहस्पति है, केतु लग्न में है तो किस लग्न की कुंडली है, उस लग्न के लिए लाभेश धनेश कौन है, उसकी स्थिति क्या है, ये सभी स्थितियां भी निर्भर करती है। केतु जो भी आकस्मिक घटना देगा वो अपने शुभ या अशुभ प्रभाव में देगा। यदि केतु शुभ रहेगा तो अपनी महादशा या अंतरदशा में जो आपको आकस्मिक घटनाएं देखने को मिलेगी, शुभ केतु आपको शुभ समाचार देगा, और अशुभ केतु आपके जीवन में कोई भी घटना आकस्मिक करा देगा। एक बैग आपको पता चलेगा कि फलाना व्यक्ति सुसाइड कर लिया, तो ये एकाएक पता चला आपको अचानक। इससे पहले आप ये भी सोचेंगे कि न तो उस व्यक्ति का किसी के साथ वाद विवाद था, न लड़ाई झगड़ा का माहौल था, फिर उस व्यक्ति ने आखिर ऐसा कदम उठाया ही क्यों। जो भी अचानक शुभ या अशुभ प्रभाव है वो केतु शुभ हो तो शुभ प्रभाव देगा और केतु अशुभ है तो अशुभ प्रभाव देगा। इसकी दृष्टि की बात करें तो केतु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर आएगी। ये संतान के लिए कभी भी किसी भी लिहाजे से शुभ नहीं है। संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करता है, पेट में जलन का समस्या देता है, शिक्षा को छुड़वा देता है केतु, क्योंकि केतु शिक्षा से दूर कराता है और संतान से भी दूर ही रखने का काम करता है। केतु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी, तो यदि यहाँ पर केतु उच्च का या अच्छी स्थिति में है, शुभ केतु है, तो उस स्थिति में ये आपको बिजनेस के फील्ड में एक अच्छा व्यापारी बना सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में सुखी दे दे ये कदापि संभव नहीं है। क्योंकि नेचुरली जब केतु लग्न में होगा तो राहु ऑलरेडी सप्तम में होगा ही होगा, यकीनन 100%। केतु की नवमी दृष्टि नवम भाव पर, तो केतु मोक्ष का कारक है, धर्म के घर को देखेगा, धर्म में विश्वास करता है, छोटी मोटी यात्रा से भी जातक को लाभ मिलता है।
अब केतु लगन में किस राशि के साथ बैठा है, ऊंच नीच कैसा है, शुभ अशुभ, ये सभी स्थितियां निर्भर करती है कि केतु यहाँ पर शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी है।